हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहे की रेसिपी। पोहा जो कि बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है और बहुत आसान होता है बनाना। जब भी आपको जल्दी हो आप फटाफट पोहा बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपका पोहा खिलखिला बने, बहुत स्वादिष्ट बने, बहुत टेस्टी बने, बहुत ही फटाफट बने। तो चलिए शुरू करते हैं पोहे की ये झटपट रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं पोहे का नाश्ता बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। आज का जो नाश्ता हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है पोहा। और पोहा को बनाते वक्त बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। पोहा खिला खिला नहीं बनता है, चिपचिपा हो जाता है, खाने में प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है, एक्स्ट्रा चीज़ें आप ज़्यादा डाल देते हो जो कि ज़रूरत ही नहीं होती है पोहे के अंदर। तो आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत आसान होता है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स यानी कि सामान। तो इसको बनाने के लिए हमें पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए चिड़वा। मार्केट में चिड़वा बहुत सारे ब्रांड के अवेलेबल हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल चिड़वा लिया है। चिड़वे के बाद हम लेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने इसे छोटे ही पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो लंबे लंबे पतले स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं पोहा बनाने के लिए। एक छोटे साइज़ का आलू जिसे हमने छील के कट कर लिया है बारीक पीस में, यानी कि हमें मोटा नहीं काटना है, बारीक काटना है। ये देखिए, क्योंकि इसे हमें थोड़ा फ्राई करना होता है तो फ्राई जल्दी हो जाए उसके लिए ज़रूरी है ये बारीक कटे। तो यहाँ पर हमने एक छोटे साइज़ का आलू काट के पानी में रखा है जिससे वो काला नहीं हो। साथ में हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल और पोहा बनाने के लिए करी लीफ, थोड़े से धनिया पत्ती, एक नींबू का रस और दो हरी मिर्च, मूंगफली दो चम्मच, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राई, यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच राई का यूज़ करेंगे बारीक दाने वाली, नारियल, घिसा हुआ नारियल का पाउडर। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें एक स्पेशल मसाला पोहा बनाने के लिए। तो यहाँ पर पोहा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैक्रोनी मसाला, और ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का आता है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं पोहे में। लेकिन गर्म मसाले को थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, और इस मसालों से ये बहुत टेस्टी लगती है पोहा। तो मैक्रोनी मसाला आप कोई भी यूज़ करिए, और बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल पोहे की बहुत ही ईजी सिंपल रेसिपी। आइए तो शुरू करते हैं पोहा बनाना। और उसके लिए सबसे पहले हमें जो ये हमने सूखा पोहा लिया है ये धोना है, साफ़ करना है। यानी कि पोहे में जो मिस्टेक करते हैं सब लोग, वो क्या करते हैं कि पोहे को भिगा कर पानी में सोक करके छोड़ देते हैं, जिससे कि पोहा चिपचिपा हो जाता है। लेकिन हमें पोहे को पानी में भिगाना नहीं है, सिर्फ उसे इस तरीके से छन्नी में डाल के और धोना है, जिससे कि वो साफ़ हो जाए, गंदा नहीं रहे और वो सॉफ्ट भी रहे, खिला खिला बने। तो ये देखिए, पोहे को हम पानी में दो तीन बार इस तरह ही धो लेंगे, और ये जो नीचे गंदा पानी है इसे हम फेंक देंगे। देखिए कितना गंदा पानी है, और इसे अच्छे से दो से तीन बार सेम प्रोसेस से हमें पोहे को धोना है, और उसके बाद छन्नी में इसी तरीके से पानी निचोड़ के हमें रखना है। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। पोहे को धोने की प्रोसेस हम तीन से चार बार यहाँ पर कर चुके हैं, तो पोहा अच्छे से साफ़ है। अब हम इसे इसी तरीके से छन्नी में पोहे को छोड़ेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकल जाए और बहुत ही खिला खिला पोहा बनके तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की रेसिपी। पोहा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए गैस ऑन करके रख दिया हमने कढ़ाई, और अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। हमें तीन से चार चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है, और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल से धुआं निकलने लगा है, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब सबसे पहले जो हमने आलू लिए हैं, आलूओं को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम इसमें आलू पानी से अच्छे निकाल लीजिए, अच्छे से छान के। और इन्हें अच्छे से सॉफ्ट होने तक, थोड़े ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करते वक्त अगर लाइट हो जाएं, दो मिनट में आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि पतले ही आलू हमने इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे, जो हमने कच्ची मूंगफली ली है। दो से तीन चम्मच आप मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें भी हमें फ्राई करना है। तो अब आलू और मूँगफली साथ साथ में फ्राई हो जाएंगे।
मूंगफली भुनने की खुशबू आने लगी है और मूंगफली लाल हो चुकी हैं, यानी कि मूंगफली भी फ्राई हो गई हैं। अब हमें मूंगफली फ्राई हो गई है तो इसके बाद हमें ऐड करनी है प्याज। जी हाँ, सेम इसी चीज़ से हम प्रोसेस करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें मूंगफली और आलू बाहर निकालने हैं, हम इन्हीं के अंदर ही ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि पोहे के जो नाश्ता है इसमें प्याज थोड़ी सी कच्ची अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं भूनी जाती, तो वो सॉफ्ट होनी चाहिए। प्याज को 1 से 2 मिनट सॉफ्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। जो राई हमने ली है वो राई हमें यहाँ पर डालनी है, जिससे कि राई अच्छे से चटक जाए। ये देखिए राई अच्छे से भुनने लगी है। और राई के साथ साथ ही इसमें हम डाल देंगे करी लीव, जो ये हमने करी पत्ता लिया है ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे और अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और फिर 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, जो हमने बारीक हरी मिर्च काटी है। और अब इसमें डालना शुरू कर देंगे सूखे मसाले। यहाँ पर गैस की फ्लेम हम कम कर लेंगे और ऐड कर देते हैं अब इसके अंदर सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, बाकी तीखा आपके ऊपर डिपेंड करता है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम 1/2 छोटी चम्मच नमक ले रहे हैं, घिसा हुआ नारियल, तो ये नारियल हम यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच करीब, और थोड़ा सा हमने रख लिया है गार्निशिंग के लिए। साथ में अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, यानी कि शुगर, और चीनी इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पोहे में, बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर पोहे का कर देती है। तो यहाँ पे हम 1/2 छोटी चम्मच के करीब चीनी मिला लेते हैं, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब बारी है फुल एंड फाइनल मसाले की, तो वो है मैक्रोनी मसाला। कोई भी ब्रांड का यूज़ कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप इस ब्रांड का है उस ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देता है पोहे के अंदर। हम मिक्स कर देंगे सभी सूखे मसाले और 1 मिनट के लिए मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाले मिक्स होने के बाद अब बारी है पोहे की, तो ये देखिए सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब बारी है यहाँ पर पोहा ऐड करने की। तो लीजिए पोहा यहाँ पे एकदम खिला खिला और सॉफ्ट हो चुका है और अब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो पोहे को खिले खिले बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पोहे को पानी में भिगाना नहीं, सिर्फ पोहे को धोना है। और दूसरी बात कि पोहे में टमाटर का यूज़ आप बिल्कुल मत कीजिए, पोहे में टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। पोहा बिना टमाटर के ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत लोग पोहे में भी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पोहा चिपचिपा हो जाता है और उसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो प्रॉपरली नहीं आता। तो यहाँ पर हम सभी मसालों को मिक्स करेंगे और टमाटर की जगह हम जो यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा, नींबू का। और अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। एक नींबू का रस, और फिर से एक बार सभी मसालों को नींबू के साथ पोहे को मिक्स करेंगे और लगभग तैयार है ये ट्रेडिशनल पोहे की सबसे इजी और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। लीजिए मिक्स हो चुका है नींबू भी और अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया।
गैस की फ्लेम बंद हो चुकी है और लीजिए ये तैयार है खिला खिला पोहा। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब तो सबके डाउट्स दूर हो चुके होंगे कि पोहे की रेसिपी खिली खिली कैसे बने और इसे ट्रेडिशनल टच देने के लिए, टेस्ट देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो बातें थी वो थी कि आप इन्हें भिगाएं नहीं पोहे को, और दूसरा टमाटर का यूज़ ना करें। और उसके बाद जो प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाया गया है आप वो फॉलो करेंगे तो 100% आपका पोहा खिला खिला और बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ में बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।